अपने आप को ये दर्शाता है कि हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की नींव और एक मजबूत नींव 2019 के अंदर जो रखी जाएगी उसकी पूर्ण आहुति डालने का काम करेगा तो अब तक जिला हमारा करने का। साथियों, प्रदेश के जो हालात अगर आप देखें तो दिन प्रतिदिन बद से बदहाल हमारे मुख्यमंत्री रथ लेके घूम रहे और कह रहे आशीर्वाद यात्रा पूछने का काम कोई करे कि आशीर्वाद दे रहा है ले रहा है उसका जवाब नहीं। अगर लेने गया तो कोई पूछड़िया होगी इस रूप पर खड़ा होगी कैसे लेंगे और दे किस चीज कर रहा है प्रदेश को चलाने का 80 लोगों की जान लेने का युवाओं को बेरोजगार करने का आज रेप हो मर्डर हो डकैती हो बिहार को पीछे छोड़ने का। साथियों, जो प्रदेश के हालात इन हालात के अंदर ये वो लोग हैं जिनने इस प्रदेश को खोखला किया और ऐसे खोखला किया कि हमारा आपसी भाईचारा भी टूट गया। आज तो इस विधानसभा चुनाव की नींव भी हमने लोग तक की धरती से रखी और जनता छोटे छोटी बेजार का जन्म दिवस मनाना उसको जन सम्मान दिवस के तौर पर एक ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम करना अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगी। किसान चमेरा आगे बढ़ेगा और इस नारे के साथ परिवर्तन लेकर आए किसान चमेरे आगे बढ़ जीत ले अपना चंडीगढ़। हमें उस चंडीगढ़ को पकड़ करना है और उस चंडीगढ़ की चौथी मंजिल जो सेक्रेट है उसमें कमेरे को किसान को मजदूर को दलित को पिछड़े को चढ़ने का मौका मिले काम कराने का अधिकार मिले इस लड़ाई को लड़ना। आप सोचोगे मैं टिक जाऊंगा मंच पे बैठे पदाधिकारी टिक जाएंगे इन्हें मैं नहीं टिकट दूंगा ये मैंने नहीं टिकट दे मगर ये सोचो ये राज बढ़ा देंगे तो बैंक काट दो आप जैसे एक एक कार्यकर्ता की मेहनत से लड़ूंगा। साथियों, बीजेपी के पास आज दो चीज है, एक तो मनी पावर पैसे की कोई कमी 1000 करोड़ तो बीजेपी के खाते में केवल मात्र 2017 के इनकम टैक्स में आया और दूसरी ताकत है मीडिया पावर की। आज टीवी खोल लो कौन सा भी राष्ट्रीय चैनल ना कश्मीर की चर्चा है ना सनसनी शिरोमणि रविदास जी के मंदिर तोड़ने की कोई चर्चा है लोगों के मुकदमों की कोई चर्चा है 6 प्रदेशों में बाढ़ आएगी उसकी कोई चर्चा नहीं। टीवी पे क्या दिखता है चिदंबरम के घर की दीवार कोर्ट के अंदर गई सीबीआई चिदंबरम को 5 दिन की रिमांड पे लेगी सीबीआई। उधर का युवा साथियों आज के हालात इस हालात से एक ही चीज टकरा सकती और मनी पावर से मीडिया पावर से लड़ने के लिए आज अपने कंधों को मजबूत कर दो क्योंकि सबसे जरूरी कोई चीज है तो कार्यकर्ताओं की ताकत है मैन पावर। इस मीडिया पावर मनी पावर के आगे जब आपके दोनों कमरे संगठनों की मैन पावर उतरेगी तो बुजुर्गो युवा साथियों 1987 का दौर भी याद कर जब तो एक दूरदर्शन हुआ करता था ये फेसबुक व्हाट्सएप तो थे पर दूरदर्शन का केवल मात्र राजीव गांधी चला करता। उस समय चौधरी देवीलाल जी ने एक बात कही थी कि जिस दिन ये अखबार और टीवी मेरे को ज्यादा दिखाने लग जाए सोच लेना मैं आपसे दूर हो जाऊंगा और लोगों ने मेहनत करनी शुरू करी और ऐसी मेहनत कर दिखाई जिसने प्रदेश के अंदर राजीव गांधी की 411 लोकसभा की सीटों के सामने जब लोग कहते 90 की 90 आएगी चौधरी देवीलाल जी को 85 सीट देने का काम किया।
आज की कोई आवाज लोग चाहते हैं परिवर्तन लाना, पर उस परिवर्तन की नींव के लिए हम सबको दोबारा ऊपर काम करें। और जहां रैली की बात, गाड़ियों की बात मैं सुन रहा था, डॉक्टर भी बारी 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 किसी न किसी पे उंगली लगा रहा था कि और 50 गाड़ी कर दी। ये तो गाड़ी वाले हैं, पार्लियामेंट में मैं अकेले कर गया था, ट्रैक्टर वाले बैठे ट्रैक्टर भी काटोगे तो मजा सा भी नहीं आएगा। बोले आज भिवाड़ी रैली थी, रोहतक वाले इतने 150 ट्रैक्टर लेके भिवाड़ी तक जा दिए, तब तो मैं जाना है, रुकोगे भरोगे ट्रैक्टर, भरने के ट्रैक्टर ट्रैक्टर में पांच बैठ के आ गए, ट्राली में भी खाते 25-30 भर के लाने। हमारी तैयारी अच्छी बैठी है, सारी ड्यूटी है, एक रात पहले रोटी को के देती हूँ, सुबह बनाना वाले जब कार्यकर्ता घर घर जाकर उसका निमंत्रण देने का पानी। और हमारे लिए तो एक पावन पर्व के साथ साथ एक कमेरे का किसान का वो मेला है जहां पूरा हरियाणा एक होने का काम करता है, और उस मेले के लिए अब हम सब की जिम्मेवारी है कि हम दिन रात एक करें, पूरा जोश पूरा उत्साह दिखाकर दर्शाकर एक एक साथी को जोड़ने का काम करें। रोजगार के क्या हालात, एक खट्टर कहता है ईमानदारी से नौकरी ना पर्ची ली ना खर्ची ली, और इसी के रथ के आगे एक आदमी आग लगा देता है, कहता है खट्टर ने मेरे को दो नौकरी ग्रुप डी की लगाने का वादा किया, वो छोड़ो एसटीओ इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट के अंदर 80 नौकरियों में हरियाणा के कितने मांगते हैं, 50%, 60%, 70% तो अपने बाड़े होने चाहिए। नौकरियों में दो हरियाणा के बाड़े लगे, ये सोचो कि 78 कहां के लगे, कोई पटेल लगा, कोई रस्तों की लगा, अपने प्रदेश के कभी लगे। उधर कई बार साथियों और समझने की बात, और ये चैलेंज आपके आगे है कि ऐसे लोग जो हमारे बहन भाई पढ़े लिख कर आज आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अधिकारों का शोषण कर रहे हैं, आज ऐसे लोगों को जवाब देने का मौका आ गया। और बसपा के साथ गठबंधन में जोड़ा ना लगाया करो, मैं एक होर्डिंग देख रहा था उसमें हाथी के प्लस लगा के चापी बना दी, जोड़ा लगाओगे तो एक जमा में एक कितने हो गए, दो, अपने को एक के साथ खड़ा करना, जब बनेंगे 11 तो 11 की ताकत दिखाना चाहते हो तो इनको कंधे से कंधा मिलाकर साथियों लेकर चलो, नहीं तो एक संकल्प लेना, चाबी आए या हाथी आए, हमने तो एक संकल्प लेना कि हम सब मिलकर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की, स्वर्गीय काशीराम जी की सोच को आगे ले जाते हुए बहन कुमारी मायावती और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सपनों को साकार करते हुए प्रदेश में कमेरे वर्ग का राज बनाने का काम करें। वोट की चोट मारकर उसका भी बदला लिया है, और बसपा के जनपा के इस गठबंधन को, आरजी के चापी के इस गठबंधन को एक ऐसी ताकत के साथ आगे ले जाया जाए जो फिर आने वाले भविष्य की नई तस्वीर लिखने का काम करे। और मैं निवेदन करूंगा तमाम हल्का अध्यक्षों से और जिला अध्यक्ष से भी, सारे प्रदेश राष्ट्र के अलग अलग सेलों के पदाधिकारियों से अपनी बैठक बुलाकर ये रैली को एक व्यक्ति विशेष की थी, ये रैली सामूहिक, अब समय आ चुका अपने वोट की और नोट की ताकत को दिखाकर इनको, मनी पावर वालों को, मीडिया पावर वालों को जवाब दे कि आज प्रदेश में मैन पावर की सरकार बनाने का काम गठबंधन करेगा। तो दोबारा क्योंकि समय बहुत है और माता है तो यूं देख लिए जैसे आज रोटी भी रह जाएगी बनाने के, क्योंकि समय रोटियों का हो गया, इसलिए आपसे यही विनती करता हूं कि आज से डोर टू डोर गांव में शुरू करो और 25 सितंबर